तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो यार, मैं हर सैटरडे को लेके आता हूँ अपने वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज की एक और नई वीडियो। और इस सीरीज की 50th वीडियो होने वाली है, जो वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज चलती है मेरी, हर सैटरडे वीडियो आपको देखने को मिलती है। 50th वीडियो चल रही है और काफी अच्छी बात है। तो यार आज भी काफी कमाल के और काफी सारे टेक अपडेट होने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बन रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हो फनटेक बूम यूट्यूब चैनल। अगर टाइटल थंबनेल में पबजी का नाम देख के आया हो ना, तो सबसे पहले पबजी की ही न्यूज बताने वाला हूं। यार PUBG है ना, दो दिन पहले अपने ऑफिशियल चैनल पर, जो YouTube चैनल है, उस पर 4 टीजर डाले थे 1-1 सेकंड के लिए, उसके बाद वो प्राइवेट हो गए थे। बहुत लोग कह रहे हैं कि गलती से हुआ था, ऐसा कुछ गलती नहीं हुई थी यार, ये हाइप बनाई जा रही है। क्योंकि पिछली टेक न्यूज में मैंने आपको बता दिया था कि PUBG आने वाला है, और बहुत सारी वीडियोस बन रही है यार कि मई में आने वाला है, कल ही आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पिछली टेक न्यूज में भी बोला था, आज की टेक न्यूज में भी बोलूंगा कि भाई मई में PUBG नहीं आने वाला है, जून में आने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली जो लॉन्च डेट निकल के आ रही है ना, वो है 1 जून। तो अगर इंतजार कर रहे हो तो यार मई में नहीं आने वाला है, 1 जून को शायद PUBG लॉन्च हो सकता है इंडिया में, PUBG मोबाइल इंडिया। अगली न्यूज की बात करूं तो Redmi की तरफ से Redmi Note 10 सीरीज जो थी ना, 12,000 और 14,000 वाली, मतलब 500-500 रुपए उसकी कीमत बढ़ा दी गई, और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहले तो मतलब ज्ञान थेरेपी की वीडियो जाके देखना यार, उन्होंने बिल्कुल डिटेल में समझाया कि ये कितनी तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। मतलब पहले स्टॉक में दिया ही नहीं, उसकी हाइप बना दी। अब जो भी कोई वीडियो देखेगा कि यार Redmi Note 10 हर किसी के मन में चल रहा है, बहुत अच्छा फोन है, अब उसके 500 रुपये बढ़ा दिए, तो भाई Redmi ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा मेरे हिसाब से। तो इसके साथ साथ है ना, Redmi अपना एक नया फोन टीज कर चुका है, Redmi Note 10s। इसका बॉक्स दिख रहा है, इस पे लिखा हुआ है 12.5। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये MIUI 12.5 कहा जा रहा है, लेकिन यार ये इसके साथ साथ है ना, ये तो कहा जा रहा है कि MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये डेट को भी मतलब हिंट में देखने को मिल रहा है कि 12 मई को ये फोन लॉन्च हो सकता है। और इसकी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह है ना, मैं पहले ही बता चुका था, और लॉन्च डेट भी बता ही चुका था, उसमें भी उसी वीडियो में सब कुछ बताया था मैंने। आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, स्मार्टफोन लीक्स, उसमें जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ है ना, रेडमी इसी महीने अपने रेडमी 10 सीरीज में रेडमी 10 और रेडमी 10 पावर को भी लॉन्च करने वाला है। इसके साथ साथ ये जो 12 मई को लॉन्च इवेंट हो सकता है ना रेडमी नोट 10s का, इसमें अपनी रेडमी स्मार्ट वॉच भी ला सकता है, एक बजट सीरीज की, जो कि रियलमी वॉच को टक्कर देगी स्मार्ट वॉच को, तो काफी अच्छी बात है। इसके साथ साथ रेडमी का K40 गेमिंग एनहांस्ड एडिशन चाइना में लॉन्च हो चुका है, काफी तगड़ी प्राइसिंग और काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ, क्योंकि ये फोन इंडिया में भी आने वाला है, वो आगे चल के बात करूंगा कि किस नाम से आने वाला है। इसके अलावा पोको की बात करूं तो पोको का F3 GT लास्ट वीक में लॉन्च हो सकता है, मई के इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पे ऑलरेडी लीक हो चुका है, और ये रीब्रांडेड होने वाला है Redmi K40 गेमिंग एनहांस्ड एडिशन का। अब इसकी वीडियो भी है ना, आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जो स्मार्टफोन लीक्स की मैं प्लेलिस्ट पहले आई बटन में दे चुका हूं, जाकर देख लेना, उसमें मैंने सारी स्पेसिफिकेशन, सारी प्राइसिंग, सब कुछ इसका बताया था। काफी कमाल का फोन होने वाला है यार, Dimensity 1200 पे आएगा, 128 की AMOLED स्क्रीन होगी, और 25,000 के आसपास इसकी प्राइस होगी। प्राइस के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। इसके अलावा है ना, पोको M3 Pro 5G बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो कि Redmi Note 10 5G का रीब्रांडेड वर्जन होएगा, और इसकी वीडियो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, उसमें सब कुछ बता रखा है डिटेल्स में। हालांकि इसकी सारी स्पेसिफिकेशन है ना Realme 8 5G जैसी होने वाली है, और प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हो तो उस वीडियो में देख लेना। अब Realme की न्यूज की बात करूं ना, तो यार Realme एनिवर्सरी वाली डेट पे, मतलब 4 मई को Realme की एनिवर्सरी हो रही थी, तो सेलिब्रेशन के लिए ना एक लॉन्च इवेंट रख रहा था, जिसमें आपको Realme X7 Max 5G, जो कि Realme GT Neo का रीब्रांडेड वर्जन, Realme के कुछ नए TV, ऑडियो प्रोडक्ट्स, स्मार्ट वॉचेस, बहुत कुछ लॉन्च होने वाला था, लेकिन डिले कर दिया गया, क्योंकि उनका कहना है कि हम सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं जैसा माहौल चल रहा है COVID-19 की वजह से, तो काफी अच्छी बात है। हालांकि Realme GT Neo जो X7 Max 5G इंडिया में बन के आने वाला ना, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं, उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, और उसमें मैंने बताया कि डिले हुआ है, तो कब ये अब लॉन्च इवेंट होने वाला है, और कब तक लॉन्च होगा, किस प्राइस पे आएगा, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, सब कुछ उस वीडियो में बताया, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा Realme की तरफ से ना, थोड़े टाइम पहले एक हिंट मिला था कि Realme है ना बजट सीरीज के लैपटॉप और टैबलेट पे काम कर रहा है। अब ये कुछ नहीं पता कब तक लॉन्च होंगे, लेकिन काम कर रहा है, तो यार मतलब 3-4 महीने बाद तो लॉन्च हो ही जाएंगे। अगली न्यूज की बात करूं तो Vivo का V21 5G 30,000 का लॉन्च हो चुका है, Dimensity 800 के साथ, 44 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, पीछे की साइड भी, रियर भी, और सेल्फी भी, स्पॉटलाइट भी दी हुई है आपके आगे की साइड, डुअल स्पॉटलाइट। यार फोन काफी कमाल का है Vivo की, मतलब जैसे फोन आते हैं ना, उस हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर वगैरह दिया, और कैमरा और डिजाइन पर ज्यादा फोकस रखा जाता है। तो इस प्राइस सेगमेंट पे अगर एक कैमरा के लिए और डिजाइन के लिए फोन लेने की सोच रहे हो ना, तो इस फोन से अच्छा कोई नहीं होने वाला है। अगली न्यूज की बात करूं तो OnePlus Note पिछले साल लॉन्च हुआ था, इसका सक्सेसर OnePlus Note 2 या N100 N10 कोई ना कोई बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, मई में ही कहा जा रहा है कि इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो OnePlus Note सीरीज का एक और स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है। अब Samsung की कुछ न्यूज की बात करूं तो यार Samsung का M42 5G Samsung का चीपेस्ट 5G फोन 22,000 की कीमत में लॉन्च हो चुका है, काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। बस एक दिक्कत है यार, HD+ स्क्रीन है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 15 वाट चार्जिंग, मतलब ठीक ठाक सा फोन है, प्रोसेसर
काफी अच्छा डाला है और इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है उसकी ना आपको 20,000 में देखने को मिल जाएगा। अब कोई सैमसंग का फोन लेना चाहते हो और 5G फोन ही लेना चाहते हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रोसेसर भी अच्छा लगा हुआ है, हालांकि कैमरा, चार्जिंग स्पीड और डिस्प्ले थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। सुपर एमोलेड दी है पर HD प्लस स्क्रीन है। इसके अलावा ना सैमसंग के 3 नए स्मार्टफोन इंडिया में मई में ही लॉन्च हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं यार? वो है सैमसंग का A22 5G, सैमसंग का F52 5G और सैमसंग का M32। बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, BIS सर्टिफिकेशन पर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। इसके अलावा सैमसंग टीज करना स्टार्ट कर चुका है सैमसंग का S21 फैन एडिशन। सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे ना लीक हो चुका है और ये बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, मतलब ग्लोबली भी लॉन्च हो सकता है। अगली न्यूज की बात करूं तो यार, अगर आप लोगों के पास किडनी नहीं है, मेरा मतलब है अगर आप एक आईफोन यूजर हो ना, तो आप सबके लिए एप्पल ने निकाल दिया iOS 14.5 का अपडेट। अपडेट कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड करे हैं iOS 14.5 में। अगली न्यूज की बात करूं तो iQOO की तरफ से यार, iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड, मतलब iQOO 7 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। 32,000 प्राइस है iQOO 7 की और 38,000 से स्टार्ट होता है iQOO 7 लेजेंड। मेरे को दोनों ही फोन काफी कमाल के लगे हैं, पर एक कमी लगी है यार, दोनों फोन को गेमिंग फोन का कह के बेका जा रहा है। और हाँ, गेमिंग फोन के लिए काफी अच्छे भी हैं, बट दोनों ही फोन में हेडफोन जैक नहीं दिया। मतलब गेमिंग फोन में तो हमें हेडफोन जैक देखने को मिलना चाहिए यार, चाहे वो 50,000 का भी है, चाहे 70,000 का भी है, कितने का भी आए, हेडफोन जैक बहुत जरूरी होता है गेमिंग फोन के लिए। और इसके साथ साथ लीक निकल के आया है iQOO Z3, जिसके बारे में मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि यार लॉन्च होने वाला है, प्राइस, लॉन्च डेट सब बताया था। तो इसकी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लीक्स निकल के आ रहे हैं कि ये 3rd week में लॉन्च होने वाला है iQOO Z3 इंडिया में। इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो ना, तो उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आई बटन में दे दूंगा iQOO Z3 की सब कुछ बता रखा था, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट 11। इसके अलावा यार iQOO बहुत जल्दी चाइना में ना एक iQOO Neo 5 यूथ एडिशन नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, और ये इंडिया में भी आएगा लेकिन iQOO 7 सीरीज में। इसका नाम होगा iQOO 7 लाइट। तो iQOO Z3 के बाद जो फोन लॉन्च होगा ना iQOO की तरफ से, उसका नाम हो सकता है iQOO 7 लाइट, और ये फोन मान सकते हो यार जून जुलाई इस टाइम तक तो आएगा, मतलब मई में iQOO Z3 आने वाला है। तो यार खत्म करते हैं आज की टेक अपडेट यहीं पर। आप जरूर बताना आपका आज का फेवरेट टेक अपडेट कौन सा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो लेट करे तो कमेंट बॉक्स में पूछे ना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए की वॉचिंग फनटेक, बूम।